हाय जी, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल 31st को मेरा शो था अजमेर में और फिलहाल मैं अपने रूम में हूँ। अपने रूम से निकल करके आज नए साल के दिन पहले दिन मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा जी की सिटी, दैट इज पुष्कर। सो ये पुष्कर व्लॉग जो है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पुष्कर में क्या है खास, ये जानने के लिए आप देखते रहिए मेरे इस व्लॉग को एंड तक। और अपने होटल से निकलने के बाद में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं आ गया हल्दी घाटी रेस्टोरेंट जो कि पुष्कर से ठीक पहले है और यहीं पर मेरा कल का शो था। यहाँ से आपको जो है झील भी जो है, यहाँ की अनासागर लेक झील जिसे कहते हैं, वो भी नज़र आएगी। गंगा जी जो है वो हेड शेफ है यहाँ पर हल्दी घाटी रेस्टोरेंट में और इन्होंने हमारे जोधपुर की अजीत भवन जैसी प्रॉपर्टीज के लिए काम किया है। ये मेरे शहर जोधपुर से है। गंगा भाई, कल की पार्टी कैसी रही? बहुत ही अच्छी। आज ब्रेकफास्ट में क्या खिलाने वाले हो? ब्रेकफास्ट में आप बताइए। जो भी मैं बताऊँगा वो जी सर। चलो मैं मेरा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, आप लोग इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा क्योंकि पुष्कर का सफर शुरू होने वाला है। पुष्कर निकलने से पहले मेरी मुलाकात राकेश से हुई यहाँ पर। तो यार, आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं सर पुष्कर के पास है, वहाँ का रहने वाला हूँ सर। मैं पुष्कर जा रहा हूँ। पुष्कर में क्या क्या जगह हैं यार जो घूमने लायक है? सबसे अच्छी है ब्रह्मा मंदिर, वहाँ चले जाओ। और पुष्कर में पावन घाट है, वहाँ घूमो। सनसेट है, वहाँ घूमो। केमल सफारी सर, वहाँ घूमो। वहाँ सावित्री माता का मंदिर सबसे, साकरी माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर है। तो मैं निकलता हूँ यार पुष्कर की तरफ, लेट्स गो। मैं पुष्कर आ चुका हूँ और पुष्कर आते ही, चाहे बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, आप अपनी जर्नी को पुष्कर एक्सप्लोर करने की जो है उसे शुरू कर सकते हैं सावित्री माता मंदिर के दर्शन करने से। और सावित्री माता मंदिर जाने के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर रोपवे है, दूसरा तरीका है कि आप जो पहाड़ के पास में रास्ता है वहाँ से चढ़कर जाएं। मैं रोपवे ले रहा हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच पाऊँ और बाकी जगहों को भी एक्सप्लोर कर पाऊँ। और सावित्री माता के मंदिर जाने के रास्ते में कुछ भाई लोग मुझे मिले, ये सब पुष्कर के रहने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि पुष्कर की एक खास बात क्या है? वर्ल्ड में एक ही ब्रह्मा मंदिर है और कहीं और जगह नहीं है। सावित्री माता का मंदिर है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? ब्रह्मा जी ने दो शादी की थी, एक ब्राह्मणी से, दूसरी से। ब्राह्मणी ऋषि के पहाड़ी पे जाकर ब्राह्मणी, और सावित्री माता जो है वो ब्राह्मणी गायत्री है जो गुजरी है, गायत्री जो गुजरी है। और सावित्री माता जो है वो उनकी पहली वाइफ है। सावित्री माता मंदिर जाने के लिए मैं रोपवे का वेट कर रहा हूँ। ये भैया जो हैं ये रोपवे में भेज रहे हैं सबको, यहाँ से पीछे देखो आप लोग वेट कर रहे हैं। यार ये रोपवे में डर वर तो नहीं लगता है? नहीं लगता ना, तब ठीक है। आपको डर लग रहा है क्या? डर लग रहा था। क्यों? सारे भगवानों को याद कर लो आज, सावित्री माता को याद कर लो। डर क्यों लग रहा है ये तो बताओ। तो मजा आ रहा है। मजे आ रहे हैं, ये मजा आ रहे हैं भैया को। ज्योति हिलना मत बाबू। ज्योति डर लग रहा है क्या? नहीं, इसको नहीं लगता। ये भैया भी देखो फोटो ले रहे हैं। बैठी हुई हूँ भी हूँ मैं। कहाँ से हो आप लोग? जयपुर से हो? पहली बार जा रहे हो? पहले भी आए हो? पहली बार जा रहे हो कि पहले? यहाँ इसमें तो पहली बार आया। पहली बार आए। बॉडी गार्ड है हमारे साथ में। ओ, रोपवे में बैठ कर हम लोग निकल चुके हैं सावित्री माता टेम्पल की तरफ और बाहर के नजारे आपको दिखा देते हैं। वाजा पीछे से शानदार नजारा, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना खूबसूरत नजारा होता जाएगा। ये फायदा है भाई साहब ट्रेवल करने का। ऐसा एक बार आप खड़े होकर देखिए कितना फर्क पड़ता है, देखें। उसके बाद तो आपको ही फर्क पड़ेगा। सबको सबको फर्क पड़ेगा।
जयपुर की जनता मेरे साथ में बैठी, जयपुर वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ में जयपुर वाले हैं इस वीडियो में। दीदी को बहुत डर लग रहा है, जयपुर वाले हैं। मैं जोधपुर वाला हूँ। अब तो डर नहीं लग रहा आपको? रुक चुकी है गाड़ी, गाड़ी रुक चुकी है। ये है यहाँ का नजारा, आप देख सकते हैं बहुत सही हाइट पर हम लोग हैं। और अगर कोई डर रहा हो तो वो और डर जाए। और ये देखिए कुछ लोग जो हैं वो दर्शन करके वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं यहाँ से। ये देखिए इसे हिंदी में वैसे शायद उड़न खटोला भी कहते हैं, आजकल इसे रोप वे कहा जाने लगा है। उड़न खटोला ही कहते हैं ना, उड़न खटोला तो उसको कहते हैं ना, जो उड़ता है। व्यू है यहाँ से, आदमी छलांग लगा तो आदमी बचे शायद ही। क्या बात कर रहे हो, हैं? आइडिया दे रहे हो बैठ के? छलांग लगाने की बातें हो रही भाई साहब। तो सावित्री माता मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है वो पैदल भी है, बस ज्यादा नहीं, 1000 के आसपास सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। वो देखिए दूर से आपको वो लोग नजर आ रहे होंगे, मतलब दूर से नजर आ रहे हैं मुझे, और वहां से जो है लोग ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। भैया आपकी वीडियोस मैंने को बहुत बार देखे हैं। तुमने मेरे वीडियोस देखे हैं? हाँ। क्या बात कर रही हो? यार मैं थोड़ा थोड़ा फेमस होने लग गया हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सारे बंदर भी हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब ऐसा लग रहा है सबसे ऊपर की छोटी पर आ गया हूँ, नीचे पूरा फ्लैट सरफेस दिख रहा है, सामने ये फिर से पहाड़ियाँ हैं, सामने छोटी सी झील भी है। मुझे लगता है जिन घाटों का जिक्र जो किया जाता है पुष्कर में वो शायद वही हैं, जो बीच में एक छोटी सी जगह नज़र आ रही है वो मंदिर की तरफ चल लेते हैं। सावित्री माता का मंदिर, ऐसे यहाँ पर कैमरा लाना अलाउड नहीं है, पंडित जी हैं हमारे साथ में, सबका जो प्रसाद जो है वो चढ़ा रहे हैं, सबको प्रसाद दे रहे हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? कमल किशोर। कमल किशोर जी मैं जानना चाहूँगा सावित्री माता मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, माता के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। सावित्री माता जी ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है, ब्रह्मा जी ने गायत्री जी से दूसरी शादी कर ली इसीलिए माता जी रूट के ऊपर आ गई। उसके बाद में ये जो मंदिर है वो, उसके बाद माता जी की यहीं पूजा प्रार्थना होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, दर्शन के लिए। बिल्कुल जो कहानी हमें नीचे सुनने को मिली थी कुछ लोगों से जो यहाँ के रहवासी है वही कहानी है माता जी का मंदिर। मैं आपको यहाँ दूर से दिखाना चाहूंगा बाहर से, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी क्या हाल है? क्या कहना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको? क्या कहना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको? क्या बोल दूं? आशीर्वाद दे दो बस। आशीर्वाद तो है ही माता जी का। बिल्कुल। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चलिए जी सावित्री माता मंदिर के दर्शन हो गए हैं और इसके बाद में हम वापस से निकल पड़े हैं नीचे की तरफ, रोपवे में बैठिए, इसे उड़न खटोला भी कहते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और हरिद्वार में भी आपने ये देखा होगा कभी अगर आप गए हो तो, और जब मैं चढ़ा था तो मेरे साथ में जयपुर के लोग थे, अब जब मैं उतर रहा हूँ तो मेरे साथ में मेरे राजस्थान के सीकर के लोग हैं। आप देख सकते हैं सब शांति से एकदम बैठे हैं। और अगली जो डेस्टिनेशन है वो है ब्रह्म मंदिर। लेट्स सी क्या है ब्रह्म मंदिर में खास।